रवि के राशि अवकाश पर भी चौथे दिन एएसआई की टीम सर्वे करने पहुंची। इस दौरान हिंदू पक्ष के पंडित गोपाल शर्मा और मुस्लिम पक्ष की ओर से अब्दुल समद भी भोशाला पहुंचे, जबकि हिंदू पक्ष के याचिकाकर्ता आशीष गोयल ने आज सुबह भोशाला में प्रवेश नहीं किया। एक बार फिर मुस्लिम पक्षकार अब्दुल समद ने मीडिया से चर्चा की। धार के ऐतिहासिक धरोहर भोशाला में एएसआई टीम द्वारा किए जा रहे सर्वे को लेकर देवन से ही मुस्लिम पक्ष संतुष्ट नजर नहीं आ रहा। चौथे दिन के सर्वे के दौरान अब्दुल समद ने सर्वे टीम में मुस्लिम समाज के किसी सदस्य के न होने पर उसे एक पक्षीय कार्रवाई बताया। इधर हिंदू समाज एएसआई के 5 सदस्यों की सर्वे टीम के कार्यों से संतुष्ट नजर आ रहा है। प्राप्त समाचारों के अनुसार भूशाला में अंदर व बाहर अलग अलग टीमें आधुनिक तकनीक के माध्यम से सर्वे कर रही हैं। भूशाला की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस अधीक्षक ने एडवाइजरी भी जारी की है, जिसमें सर्वे के दौरान भूशाला परिसर क्षेत्र में ड्रोन उड़ाना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। भूशाला सर्वे से संबंधित किसी प्रकार की फोटो और वीडियोग्राफी लेना भी पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाह फैलाने वालों पर पुलिस द्वारा पैनी नजर रखी जा रही है। सर्वे को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाले तथा संबंधित ग्रुप एडमिन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अधिकारियों ने तो अभी तक कोई उसका जवाब नहीं दिया। मौखिक आपत्ति दर्ज कराई थी दिन में और शाम को मैंने मेल भी किया है। और कल के दिन की सबसे बड़ी आपत्ति ये है कि माननीय हाईकोर्ट ने जो आदेश दिए हैं, आदेश में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सर्वे टीम में दोनों कम्युनिटी के लोग बराबरी से होना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि दोनों कम्युनिटी के लोग उसमें हैं, उसमें सिर्फ एक ही कम्युनिटी के लोग हैं, तो वो सबसे बड़ी आपत्ति है मुस्लिम समाज की तरफ से। आपकी ओर से कितने लोग हैं? हमारी ओर से एक ही लोग। और उधर हिंदू पक्ष है? उधर दो लोग हैं, गोपाल शर्मा जी और आशीष गोयल जी। आपकी कम्युनिटी में क्यों लोग शामिल नहीं हो पा रहे दोनों? नहीं, वो मैं बात कर रहा हूँ सर्वे टीम की, करो उसमें सर्वे टीम को माननीय हाईकोर्ट ने आदेश जो आदेश दिया है सर्वे करने का, उसमें ये कहा गया है स्पष्ट रूप से कि जो टीम बनाए उसमें दोनों कम्युनिटी के लोग लें, हिंदू और मुस्लिम दोनों कम्युनिटी के लोग जो अधिकारी लेवल पे है लें अगर हो तो। लेकिन अभी तक तो सिर्फ उसमें एक ही कम्युनिटी के लोग नजर आ रहे हैं। मतलब आप टीम पे लेके आपत्ति ले रहे हैं, टीम में मुस्लिम समाज के लोग भी होना चाहिए? मुस्लिम पक्ष के ऐसा पता चला है कि जो टीम आई हुई है उसमें दोनों समाज के लोग हैं, ऐसी जानकारी नहीं? मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं तो अंदर हूँ ना उनके साथ। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए धार से सुरेश तिवारी की रिपोर्ट।